अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे टॉपिक का नाम है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है ये, हमारा आगे वाला फाइलम है। पहले हमने नाइडेरिया पढ़ा, उससे पहले हमने पोरीफेरा को स्टडी किया है। प्लैटीहेल्मिन्थेस इंट्रोडक्शन के लास्ट आगे बताता हूँ, चलो इन सब को फ्लैट वर्म्स का नाम दिया जाता है। साइज़ के लास्ट से जितने प्लैटीहेल्मिन्थेस के मेम्बर है, फ्यू मिलीमीटर से लेकर मीटर तक आपको ये लंबे नज़र आते हैं। जैसे कि 10 मिलीमीटर का साइज़ जो प्लेन एरिया है इसका आपको नज़र आता है। मोड ऑफ लाइफ के लिहाज से ये जितने भी आपको इसके अंदर फ्लैटवर्म नज़र आते हैं ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं, जिस्म के अंदर रहने वाले, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी भी रह सकते हैं, मगर मोस्टली एंडो पैरासाइट ये सारे के सारे फ्लैटवर्म आपको नज़र आते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सॉफ्ट बॉडी होती है, इसकी डोर्सो वेंट्रिकल कंप्रेस होती है, ये देख सकते हैं सॉफ्ट बॉडी है और ऐसे डोर्सो वेंट्रिकल कंप्रेस होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, थ्री लेयर्स रखते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एसिलोमेट होते हैं, इसके अंदर कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म, इनके अंदर मेसोडर्म बनती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी और मेसोडर्म भी। इससे पहले जितने फाइलम पढ़े हैं नाइडेरिया और पोरीफेरा, उसके अंदर मेसोडर्म नहीं थी क्योंकि वो डिप्लोब्लास्टिक थे, ये मेरे बच्चे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनकी जो सिमेट्री ये बाइलेटरल है, आप देख सकते हैं, आप इसको ऐसे कट लगाएंगे तो मिरर इमेज आएगा, ये वाला साइड और ये वाली साइड दोनों सेम होगी। अगर यहां से कट लगाएंगे तो ऊपर वाली नीचे वाली जो साइड है वो सेम नहीं होती, तो एक ही साइड से कट लगाने से मिरर इमेज आता है। ये बाइलेटरल सिमेट्री का करैक्टर है, लेक्चर अपलोडेड है, जाके देख भी सकते हैं। ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इसकी बॉडी के अंदर कोई सेगमेंट मौजूद नहीं होता। लाइफ प्रोसेस देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है, सैक टाइप एब्सेंट होते हैं इन टेवर्म, सैक लाइक नहीं होता। ऑक्सीडेटिव सिस्टम फ्लेम सेल्स होते हैं जिससे वो अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल वो खारिज करते हैं। नर्वस सिस्टम, इसके पास नर्व्स होती है, इवन गैंग्लिया होता है और सेंस ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसके पास एब्सेंट होता है, नहीं मौजूद होता। रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो एसेक्सुअल ये करते हैं, फिशन के जरिए से और रीजनरेशन के जरिए से। फिशन आपको पता है दो तरह की होती है, एक बाइनरी फिशन होती है, एक मल्टीपल फिशन होती है, तो दो तरह की इसके अंदर फिशन मौजूद है और रीजनरेशन, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का तरीकाकार है। सेक्सुअल देखा जाए ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब एक ही इंडिविजुअल के पास फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और मेल के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो ऐसे इंडिविजुअल को नाम देते हैं हर्माफ्रोडाइट है। तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं एक ही जानदार, सेक्सुअली फीमेल और मेल की तरह दोनों की तरह एक्ट करता है। एग्जांपल के लिहाज से हमारे पास प्लैटीहेल्मिन्थेस के सबसे बड़े एग्जाम्पल ड्यूजेशिया। ड्यूजेशिया प्लेन एरिया फ्री लिविंग को कहते हैं। फेसिक्यूला लीवर फ्लूक को कहते हैं, और जिसमें स्नेल वगैरह आ जाता है, ये एंडोपैरासाइट होते हैं शीप के और ह्यूमन बींग्स के, हमारे जिस्म के अंदर, और दुम्बे शीप के अंदर रहने वाला ये पैरासाइट है जिसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। तानिया या टेनिया इसको जो भी कह सकते हैं, इसकी ये टेवर्म है, और ये जो तानिया टेवर्म है ये एंडोपैरासाइट होते हैं ह्यूमन के और कैटल्स के। पीक के रिबन लाइक बॉडी होती है और प्रोग्लोटिड्स मौजूद होते हैं। प्रोग्लोटिड्स का मतलब ये होता है कि ये ग्लोटिड्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये एंडोपैरासाइट है ह्यूमंस के और कैटल्स के, ठीक है। और पिग रिबन लाइक बॉडी होती है, रिबन की तरह इसकी स्ट्रक्चर होता है, रिबन मतलब कि इस तरह सा इसका स्ट्रक्चर होता है रिबन लाइक, और ये प्रोग्लोटिड्स रखते हैं इसके सेगमेंट, जो कि सेगमेंट तो नहीं होते इसके अंदर, मगर इसकी बॉडीज की पार्टीशन होती है डिफरेंट ग्लूटेड्स के अंदर। एडेप्टेशन क्लास से देखा जाए तो इसकी मोड ऑफ लाइफ जॉइंट्स है, ये याद रखिएगा, एपिडर्मस एब्सेंट होती है, रेजिस्टेंट क्यूटिकल होती है। ये पैरासाइट क्यों कहा जाता है, ये फ्लैटवर्म्स है, पैरासाइटिक क्यों अपनी लाइफ गुजारते हैं, इनके पास क्यूटिकल होते हैं जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एपिडर्मस नहीं होती। ये पैरासाइट इसलिए पैरासाइटिक लाइफ गुजारता है क्योंकि इसके पास एडहेसिव ऑर्गन है जिसकी वजह से चिपक जाता है किसी भी जानदार की बॉडी के साथ, क्योंकि सकर्स होते हैं हुक लाइक मौजूद होते हैं जिसको एडहेसिव ऑर्गन का नाम दिया गया। डीजनरेशन ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, जब भी किसी के अंदर जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, उसके मस्कुलर सिस्टम को डीजनरेट करते हैं और नर्वस सिस्टम, ये इसीलिए कहते हैं ये पैरासाइटिक अपनी लाइफ को गुजारता है। सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनके पास, अगर देखा जाए कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसलिए पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ है, जो कि दो या तीन इंडिविजुअल के ऊपर इसका लाइफ साइकिल डिपेंड करता है। लार्ज नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस करते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट होता है, दो होस्ट के ऊपर इसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है और ये कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल को रखते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक का नाम इन्फेस्टेशन है और एक का नाम डिसइन्फेस्टेशन है। इन्फेस्टेशन का मतलब कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन होना किसी भी पर्सन को, दे आर कॉल्ड इन्फेस्टेशन है। जब इन्फेक्शन हो गया तो अब उस पैरासाइट को बाहर निकालना बॉडी से, दे आर कॉल्ड डिसइन्फेस्टेशन है।
जब मिसाल के तौर पर किसी जानदार को इन्फेक्शन होता तो क्या होता क्या है? जो जाइगोट होता है प्रोग्लोटिड्स के अंदर, जैसे मैंने बताया कि जितने फ्लैटवर्म्स होते हैं उनके अंदर पार्टीशन होती है प्रोग्लोटिड्स की, तो जाइगोट जो प्रोग्लोटिड्स के अंदर होता है वो ही प्रोग्लोटिड्स ब्रेक होता है और चला जाता है फीसिस के अंदर, और जाने के बाद वो वोलंटरी मसल ऑफ काओ जो भैंस है उसके मसल के साथ अटैच हो जाता है, और उसी के साथ एम्ब्रियो भी अटैच होता है 6 कार्टेनियस हुक के जरिए से, और उसी फीसिस की मदद से वो ह्यूमन बींग के अंदर जाता है, और ह्यूमन बींग जब उसको खाता है, उस गोश्त को खाता है, तो वही जो वॉर्म्स हैं वही जो मेरे अच्छे पैरासाइट है वो इंसान के अंदर भी चला जाता है। इसीलिए कहते हैं जब भी आप गोश्त खाते हैं तो पहले अच्छी तरीके से उसको पकाया जाए, जितना अच्छा कुक किया जाएगा उतना लजीज होगा, उतना खाने में मज़ा आएगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप अच्छा कुक नहीं करते, कच्चा पका खा लेते हैं, तो ये पैरासाइट उनके मसल के साथ अटैच होते हैं और वही आपकी बॉडी में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं, तो उस वक्त इन्फेस्टेशन होगा। जैसे ही आप उस पैरासाइट को रिमूव करते हैं पेशेंट की बॉडी से मेडिसिन के जरिए से, या आप अपनी बॉडी में जाने नहीं देते, जैसे कि आप बहुत अच्छा कुक करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पकाते हैं, तो वो पैरासाइट नहीं जाएगा। जैसे वो रिमूव होगा तो आपको पता है पैरासाइट का काम होता है ब्लड को चूस लेना, इसका काम ब्लड को चूस लेना, जिससे अनीमा जैसी बीमारी होती है आपकी बॉडी के अंदर, जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो ये था एक फाइलम जिसका नाम था प्लैटीहेल्मिंथीस, बहुत आसान सा टॉपिक था जो कि आपके सामने मैंने रखा है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।